सो दिस इज सी एस आदित्य सराफ एंड आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज टू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. सो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करें हम लोग, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो है दैट इज चैप्टर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कवर करता है सेक्शन 230 से लेकर 240. लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पर्पस के लिए जो रेलिवेंस है वो सिर्फ सेक्शन 230 से लेकर 237 की है. सो नाउ सेक्शंस क्या कहते हैं. सेक्शन 230 टॉक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. 231 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. 232 टॉक्स अबाउट मर्जर्स एंड एमलगमेशन. 233 टॉक्स अबाउट फास्ट ट्रैक मर्जर. 234 टॉक्स अबाउट मर्जर ऑफ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. 235 टॉक्स अबाउट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. 236 टॉक्स अबाउट दैट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. एंड 237 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमलगमेट इन पब्लिक इंटरेस्ट. यानी सबसे पहले हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात की 230 और 231 के अंदर. उसके बाद हमने मर्जर्स के तीन सेक्शंस बनाए, 232, 233, 234. 232 मर्जर्स अमलगमेशन, 233 फास्ट ट्रैक एंड अगेन 234 फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी. देन 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए, 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एंड 237 इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमलगमेट इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, पूरे चैप्टर में जो अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिब्यूनल. तो अपने को लॉजिकली सोचना है कि कुछ मेंबर्स को क्या करना है, कुछ मेंबर्स को या कुछ क्रेडिटर्स को कॉम्प्रोमाइज करवाना है, कुछ मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को कॉम्प्रोमाइज करवाना है, एक अरेंजमेंट करवाना है. तो सेक्शन 230 कहता है कि एक अरेंज स्कीम बनेगी और उस स्कीम में हम क्या करेंगे, क्या प्रपोज करेंगे. उस स्कीम में हम प्रपोज करेंगे कि क्यों ना कंपनी और उनके क्राइटर्स के बीच या क्लास ऑफ क्राइटर्स के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या क्यों ना कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच या क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो सेक्शन 230 में लिखा है कि एक स्कीम बनेगी और स्कीम में लिखा होगा कि क्यों ना कंपनी और क्राइटर्स या क्लास ऑफ क्राइटर्स के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कंपनी और मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तब वो जो स्कीम बनेगी ना, जो ट्रिब्यूनल को सबमिट की जाएगी, उस स्कीम के साथ एक एफिडेविट जाएगी और एफिडेविट के साथ तीन चीज़ें जाएंगी. पहला, ऑल द मैटरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, रिगार्डिंग द लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिगार्डिंग द पेंडिंग लिटिगेशन. दूसरा, एनी स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. एंड तीसरा, एनी स्कीम दैट हैज़ बीन मेड फॉर द कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग. Any scheme that has been made for the corporate debt restructuring. यानी हमने application दिया tribunal को, उस application में एक compromise arrangement propose किया गया company के बीच, creditors के बीच, company के बीच, class of creditors के बीच, company के बीच, members के बीच या class of members के बीच. और उस application के साथ हमने एक affidavit जमा किया. application में तीन document जमा किए, पहला material facts consisting of the financial position, auditor's report, pending investigation. Then reduction of share capital if any and reduction of corporate debt restructuring if any consented by at least 75% of the secured creditors. Right. उसके बाद जो step 2 होगा, step 2 में tribunal क्या करने वाला है, tribunal order करने वाला है कि तुम meeting conduct करो और meeting में approval लो. अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी स्टेप 3, कंपनी को मीटिंग कंडक्ट कराना है. फॉर दैट कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी कि मीटिंग होने वाला है. अब वो नोटिस कंपनी किसको देगी, क्राइटर्स को देगी या क्लास ऑफ क्राइटर्स को देगी, मेंबर्स को देगी या क्लास ऑफ मेंबर्स को देगी, डिवेंचर होल्डर्स को देगी, उन सबको नोटिस देगी. और नोटिस के अंदर प्रॉपरली इंटीमेट करेगी, नोटिस के अंदर प्रॉपरली इंटीमेट करेगी, एक स्टेटमेंट साथ में सबमिट करेगी जिसमें वो लिखेगी कि व्हाट इज़ द वैल्यूएशन, जिसमें वो लिखेगी व्हाट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर, जिसके अंदर वो लिखने वाली है कि इस शेयर का वैल्यूएशन क्या है. और उस नोटिस में वो ये भी सूचना देने वाली है कि आप लोग चाहो तो खुद मीटिंग अटेंड करो या अपने प्रॉक्सी को अटेंड करो, आपके प्रॉक्सी को भी वोटिंग के राइट्स होंगे. उस नोटिस के साथ कंपनी ये भी एक्सप्लेन करेगी कि वो जो कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द effect of compromise arrangement on the creditors, what is going to be the effect of compromise arrangement on the promoters, on the KMPs and the non-KMPs and the non-promoters. इन लोगों में क्या effect होने वाला है compromise arrangement का, इस चीज़ को भी कंपनी explain करेगी. उसके बाद ये जो notice है ये सिर्फ shareholders को नहीं जाने वाला, ये सिर्फ creditors को नहीं जाने वाला, ये notice जाने वाला है central government को, income tax authorities को, SEBI को, competition commission of India को, stock exchanges को, official liquidator को, CCI को and all the concerned authorities. इन सब लोगों को notice जाने वाली है.
ओके, अब नोटिस चला गया, सबको नोटिस पहुंच गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अपन मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अब मीटिंग में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वहां पे ये लिखा हुआ है, वेयर एट ए मीटिंग मेजोरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 3/4 इन वैल्यू चाहिए, लेकिन वहाँ जो लैंग्वेज है वो है मेजोरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, जिसका मतलब है वहाँ पे अपने को सिंपल मेजोरिटी इन नंबर चाहिए और 3/4 इन वैल्यू चाहिए। सिंपल मेजोरिटी इन नंबर चाहिए, 3/4 इन वैल्यू चाहिए, आउट ऑफ दी मेंबर्स हु हैव पर्सनली प्रेजेंट एंड हु हैव एक्चुअली वोटेड, या तो खुद वोट कर रहे हैं या प्रॉक्सी से वोट करवाया। उसके बाद अब फाइनली ट्रिब्यूनल क्या करेगी, मीटिंग हो गई, अप्रूवल हो गया, फाइनली ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने वाली है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगी, और उस ऑर्डर में काफ़ी सारे मैटर्स हैं जो ट्रिब्यूनल वहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें और हैं सेक्शन के अंदर, जैसे कि अगर 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने या 5% ऑफ द डेप्थ होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन रेज करा है, तो वो लोग चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगेंस्ट द स्कीम कि ये स्कीम सही नहीं है। उसके बाद ट्रिब्यूनल पूरे नोटिस के प्रोसीजर को वेव ऑफ कर सकती है अगर 90% ऑफ क्रिएटर्स एग्री कर जाएं और एफिडेविट में जमा कर दें कि हमें स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेक्शन 231 ज़्यादा काम का नहीं है, जिसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। 232 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। अब मजे की बात यह है कि मर्जर्स का जो सेक्शन है, एप्लीकेशन यहाँ भी सेक्शन 230 के हिसाब से जाने वाला है, एप्लीकेशन यहाँ भी सेक्शन 230 के हिसाब से ही जाएगा, और इस एप्लीकेशन में हम लोग लिख देंगे कि इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में हमने स्कीम ऑफ मर्जर या अमलगमेशन प्रपोज किया है। हम लोग स्कीम ऑफ अमलगमेशन में, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में लिख देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि इस स्कीम में हमने अमलगमेशन या मर्जर प्रपोज किया है और इस स्कीम के तहत अंडरटेकिंग्स डिवाइड होने वाली है या ट्रांसफर होने वाली है। अब उसके बाद मजे की बात यह है कि सेक्शन 232 यूजेस द वर्ड्स दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 6 अप्लाइज मुटेडिस मुटेंडिस टू 232, यानी वो नोटिस वाला पार्ट, वो मीटिंग वाला पार्ट, वो अप्रूवल वाला पार्ट, पूरा का पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है, राइट। वो पूरा का पूरा सेम है। उसके बाद अगेन यहाँ पे ट्रिब्यूनल फिर से ऑर्डर सैंक्शन करेगा टू स्कीम टू, जिस ऑर्डर में ट्रिब्यूनल बहुत सारी बातें लिख सकता है, जैसे कि ट्रांसफरी कंपनी का जो अंडरटेकिंग्स है, ट्रांसफर कंपनी का जो अंडरटेकिंग्स है, वो किस तरीके से ट्रांसफर कंपनी को ट्रांसफर होगा, हाउ विल द अलॉटमेंट ऑफ कंसिडरेशन बी, व्हाट अबाउट द लीगल प्रोसीडिंग्स दैट आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयज, व्हाट अबाउट द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज के ट्रांसफर का क्या होगा, एंड अगर ट्रांसफरर एक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है और ट्रांसफरी एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एमलगमेशन या मर्जर ट्रांसफर इज नॉट गोइंग टू बिकम ए लिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पे जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है कि भैया हम तो लिस्टेड कंपनी थी और हमारा एमलगमेशन अनलिस्टेड कंपनी के साथ हो रहा है, तो अगेन उनको एक ऑप्ट आउट स्कीम का मौका मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 233 है हमारा, जो बात करता है फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर मर्जर या अमलगमेशन होने वाला है दो या स्मॉल कंपनीज के बीच में, टू और मोर स्मॉल कंपनीज के बीच में, या फिर एक कंपनी में और एक उसकी होली ओन सब्सिडरी में, तो इन कंपनीज के पास दो ऑप्शन हैं, इन कंपनीज के पास दो ऑप्शन हैं। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ एक ऑप्शन है, नहीं, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नॉर्मल स्कीम सेक्शन 230 एंड 232 के हिसाब से अमलगमेशन करना, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 233 के हिसाब से फास्ट ट्रैक मोड को चूज करना। तो अगर वो कंपनियां, कौन सी कंपनियां, अगर मर्जर होता है दो स्मॉल कंपनीज के बीच या एक कंपनी और उसकी होल्डी ओन सब्सिडियरी के बीच, अगर वो चूज करती है स्कीम ऑफ सेक्शन 233, अगर वो चूज करती है स्कीम ऑफ सेक्शन 233, उनको यहाँ पे सर्टन कंडीशंस पूरे करने होंगे। पहली कंडीशन, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, जो भी ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, वो प्रपोज स्कीम का नोटिस आरओसी को देंगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को देंगी, उनके सजेशंस लेंगी, दोनों ही कंपनीज को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सबमिट करनी होंगी, दोनों ही, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जनरल मीटिंग में 90% मेंबर्स के अप्रूवल चाहिएगा और उनको क्रेडिटर्स के 9/10 इन वैल्यू का अप्रूवल चाहिएगा। तो ये सारा कुछ वो कर लेती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कर लेती हैं, जनरल मीटिंग में 90% ऑफ शेयर्स का वैल्यू अप्रूवल मिल जाता है, क्रेडिटर्स का 9/10 इन वैल्यू का अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद जाकर ये स्कीम सैंक्शन हो सकती है। बट प्रोवाइडेड कि हम जब ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करने वाला है, बिफोर सैंक्शनिंग द स्कीम कंसेंट लेने वाला है, रिकमेंडेशन लेने वाला है रजिस्टर ऑफिशियल लिक्विडेटर का, एंड उसके बाद सैंक्शन करने वाला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो हो सकता है सीजी सैंक्शन ना करे और मामला ट्रिब्यूनल को रेफर कर दे कि प्लीज हैंडल द मैटर एज पर सेक्शन 230 एंड 232। सो अगेन दैट इज 233।
234 में खाली इतना लिखा है कि एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, 234 के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चलती है कि द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शल अप्लाई मुटेडिस मुटेंडिस टू फॉरेन कंपनीज। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक फॉरेन कंपनी एमलगमेशन करना चाहती है, मर्ज करना चाहती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल सेक्शन ही लगेंगे बिकॉज सेक्शन 234 क्लैरिफाई कर रहा है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर ये चैप्टर लगने वाला है। 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर का प्रोविजन है, ये बिल्कुल पुराने कंपनीज एक्ट जैसा प्रोविजन है, बिल्कुल पुराने कंपनीज एक्ट जैसा, बिल्कुल सेम है पुराने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 395। ये सेक्शन मदद करता है, ये सेक्शन हेल्प करता है कंपनी को दूसरी कंपनी को अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी बनाने के लिए। ये सेक्शन कहता है कि हम आपको 4 महीने का टाइम देते हैं, आप 4 महीने में 9/10 ऑफ शेयर होल्डर्स को इन वैल्यू अपने तरफ कर लो। अगर आप 4 महीने में 9/10 ऑफ शेयर होल्डर्स इन वैल्यू को अपने तरफ कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप नोटिस दे सकते हो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, नोटिस दे सकते हो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को विद इन 2 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स। अब उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की से हम अब जबरदस्ती शेयर्स एक्वायर करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास 1 महीने का टाइम होगा टू अपील कर सकते हैं। अब वो लोग अपील फाइल नहीं करते या अपील में हार जाते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे कि आप कंपल्सरीली उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर से क्या करना, शेयर एक्वायर कर लेना। उसके लिए आप क्या करना, जो भी ट्रांसफर कंपनी होगी वो ट्रांसफरर कंपनी को कॉपी ऑफ डीड थमा देगी, उनको सारा पेमेंट कर देगी, वो लोग सारा सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे और जो जो शेयर होल्डर अपना अपना शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते जाएगा उनको उनके शेयर दे दिए जाएंगे और 60 डेज के अंदर ये प्रोसेस को सेटल करना है। उसके बाद सेक्शन 236 वी हैव दैट इज द परचेज माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अगेन इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में ऐसा लिखा है कि मान लो एक्विजिशन करते वक्त, इन द इवेंट ऑफ द एक्विजिशन, मान लो मैंने 20% एक्विजिशन किया था, उसके बाद कुछ आईपीओ आया, मैंने 10% और एक्विजिशन कर लिया, उसके बाद मेरे पास कंपनी के कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे जो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, 20% और शेयर होल्डिंग आ गई, इस तरीके से एक्विजिशन करते 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 माई होल्डिंग एक्सीड्स 90% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेक्शन 236 कहता है कि अब मेरे को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक नोटिस देना होगा और उनको बोलना होगा, उनको नोटिफाई करना होगा कि मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, या अल्टरनेटिवली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो भी मेरे को ऑप्शन दे सकती हैं। और ये जो परचेजिंग होगी, ये जो सेलिंग होगी, ये जो शेयर का वैल्यूएशन होगा, दिस विल बी डन बाई ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। अब उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा है वो जमा करना पड़ेगा, जो भी पैसा है वो जमा करना पड़ेगा ट्रांसफरर कंपनी को, जो लोग अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे और सारा सेटलमेंट 60 डेज के अंदर कर देंगे। लेकिन 60 डेज के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर पैसा लेने नहीं भी आ सका तो सारा पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाएगा, राइट। उसके बाद नाउ इफ 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, मतलब जो 8%, 9%, 10% लोग थे, अगर उनके 75% को लगता है कि हमें वैल्यू बराबर नहीं मिली, दे कैन नेगोशिएट फॉर ए हायर कंपेंसेशन, एंड अगर हायर कंपेंसेशन डिटरमाइन होगा तो वो प्रो डाटा बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंड द लास्ट सेक्शन जो एग्जाम के लिए काम की है, सेक्शन 237, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में दो कंपनीज को एमलगमेट करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है और ये सेक्शन ओवरराइड करेगा पुराने सारे सेक्शन, सेक्शन 232, सारे सेक्शंस को ओवरराइड करेगा, तो उनको कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है फॉर द एमलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। बट इस एमलगमेशन के प्रोसेस में अगर पुराने क्रेडिटर्स को, किसी कंपनी के पुराने क्रेडिटर्स को कम इंटरेस्ट मिलता है तो दे कैन आस्क फॉर कंपेंसेशन, एंड इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द कंपेंसेशन दे कैन अगेन फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल, वो तो ट्रिब्यूनल को अपील भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बिकॉज टू एमलगमेट टू कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू मेक एन ऑर्डर एंड ऑल्सो टेक द अप्रूवल, सबमिट द कॉपीज ऑफ ऑर्डर इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सो दिस इज वॉट सेक्शन 237 स्टेट्स। तो मेनली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में हमें ये 7 सेक्शन याद रखना है, 7-8 सेक्शन याद रखना है, जिसमें भी 2 सेक्शन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज सेक्शन 233 एंड सेक्शन 236, बिकॉज ये तो बिल्कुल नए सेक्शंस हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन कॉम्प्रोमाइज।